वेलकम बैक टू विजन पॉइंट एन आई ओ एस आई एम अंजलि मालविया योर इंग्लिश एक्सपर्ट तो यस आज होगा हमारा एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है द टॉल ट्रीज राइट तो अभी तक हमने जो पढ़े प्रीवियसली वो सारे थे चैप्टर्स राइट जिनसे हमें क्या मिला लेसन मिला कुछ शिक्षा मिली तो आज होगी हमारी पोएम तो so हमारे सिलेबस में आज ये पहली पोएम है हमारी टॉल ट्रीज ओके टॉल का मतलब होता है लंबा राइट right? टॉल का मतलब लंबा और ट्रीज पेड़ तो ये बेसिकली जो ये पोएम है ये इन्हीं पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही है राइट right? यहाँ पे इन्हीं पेड़ों की बात होगी तो बेसिकली पेड़ों की बात कोई पोएट क्यों करेगा जो पोएट है वो पेड़ों की बात क्यों कर रहा है बिकॉज उसने ये जो ट्रीज हैं इनको एक ह्यूमन बींग की तरह देखा है ठीक है हम आम इंसान की तरह इनको देखा है कि किस तरह से जो हम आ, आम इंसान बिहेव करते हैं उसी तरह से उन्होंने एक तरह से ट्रीज को उनसे कंपेयर किया है उनको उसी ही नजर से देखा है ठीक है तो ये है हमारा ये पोएम टॉल ट्रीज ओके चलो सो थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन हम सब ने कुछ uh, लंबे पेड़ देखे होंगे राइट यू फाइंड देम इन विलेजेस इन गार्डन एंड ऑन द रोड साइड इन टाउन इन फॉरेस्ट एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स एंड मे बी यू इवन हैव वन सच ट्री इन योर कोर्ट यार्ड येस तो ये जो ट्रीज हैं ये जो टॉल ट्रीज हैं ये जो लंबे पेड़ हैं आपने कई जगह देखे होंगे राइट right? जैसे गांव में बगीचों में सड़क के किनारे टाउन में जंगलों में या फिर जब आप माउंटेन हिली एरियाज गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने इन पेड़ों को देखा होगा टॉल ट्रीज़ को हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्रीज केयरफुली तो क्या आपने कभी ट्रीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व किया है सो हैव यू नोटिस्ड हाउ ट्रीज साइलेंटली offer केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल Yes, तो ट्रीज़ जो होते हैं बेसिकली वो एक तरह से हम सबको protect प्रोटेक्ट करते हैं है ना एक तरह से शेल्टर देते हैं क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो वहाँ पे अपना घोंसला बना के रहते हैं है ना ट्रीज uh, क्योंकि वो ट्रीज़ फिर उनको क्या कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो रीड द पोएम टू फाइंड आउट वॉट द पोएट थिंग्स ऑफ ही वेन ही लुक्स एट द टॉल ट्रीज यस तो पोएट ने जब उन टॉल ट्रीज़ को देखा तो उनके मन में कुछ विचार आए ठीक है तो यही उन्होंने एक इसको एक कविता का रूप दे दिया है पोएम का रूप दे दिया है ही इमेजिन्स देम टू बी वॉचिंग शेल्टरिंग एंड पीपिंग लाइक ह्यूमन बींग यस तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारे ट्रीज हैं तो जो पोएट हैं हमारे है ना उन्होंने जो ये टॉल ट्रीज हैं उनको हम ह्यूमन बींग्स की तरह देखा है ठीक है इमेजिन किया है जैसे कि ह्यूमन बींग देखते हैं एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपने लव्ड को यू you नो know, उनकी पूरी एक तरह से गार्जियन की तरह है ना तो ये जो टॉल ट्रीज हैं उन्होंने उसको एज अ गार्जियन देखा है ठीक है यस तो ये है हमारी पोएम ठीक है जो हमारे ये पोएम है वो किन्होंने लिखी है लिखी है एलिन मैथ्यूज ने ओके तो इन्होंने ये पोएम जो लिखी है इसको हम समझते हैं और इसके एक एक मीनिंग को समझते हैं ठीक है ये पोएम काफी इजी है काफी इम्पोर्टेंट है ओके सो देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई यस तो यहाँ पे हम इन्हीं टॉल ट्रीज की बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से एक लंबे से पेड़ की ठीक है तो हमें पता है कि जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ है जड़ें कहाँ से हैं नीचे से ये ग्राउंड राइट right? जो हमें दिखती भी नहीं है है ना क्योंकि वो सॉइल के अंदर रहती हैं, मिट्टी के अंदर है ना तो ने क्या कहा है कि जो ट्रीज के जो ये जड़े हैं ये उन्होंने उनकी पैर माने हैं फीट माने हैं ठीक है विद फीट इन अर्थ अब देखो यहाँ पे इन द अर्थ मतलब ये सॉइल के अंदर है इनकी सारी जड़े एंड देयर हेड इन द स्काई हेड उन्होंने क्या बोला है ट्री के हेड को ये जो ऊपर टॉप वाला पोर्शन है इनको उसने पोएट ने उन्होंने सर माना हुआ है ठीक है और सर उनका कहाँ छू रहा है स्काई को बादलों को आसमान को राइट द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय यस तो टॉल ट्री जो है वो क्लाउड्स को आते जाते हुए देख रहे हैं वेन द डस्क सेंस क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट द टॉल ट्रीज शेल्टर देम सेफ इन द नेस्ट यस तो जब डस्क सेंस मतलब कि जब थोड़ा शाम का समय होता है तो सारे जो पंछी हैं सारे जो बर्ड्स हैं वो आराम करने के लिए इन्हीं टॉल ट्रीज़ के पास आते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है और ये जो टॉल ट्री है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है है ना वो बेसिकली घर है इन चिड़ियों का

तो ये जो ट्रीज़ हैं ये जो टॉल ट्रीज़ हैं ये सोते नहीं हैं ये जगते रहते हैं जब पूरी दुनिया जो है वो सोती है तब भी ये जगते रहते हैं मून जो है चाँद की चांदनी में ये रोशनी में ये पूरे जो दुनिया है उसको झाँक के देखते हैं तो एक तरह से जो पोएट है उन्होंने इसको कंपेयर किया है एज आर गार्जियन कि जिस तरह से गार्जियन हमें प्रोटेक्ट करते हैं है ना हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरह से ये टॉल ट्रीज हैं इन्होंने इन नेक्स्ट इन जो बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया है उनको शेल्टर दिया है शेल्टर का मतलब उनको रहने की जगह दी हुई है एक ऐसा आ, ऐसी जगह जहाँ पे वो सेफ महसूस करते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं राइट फिर उन्होंने बोला जब सारी दुनिया सो रही है फिर भी जैसे हमारे घर के जो बड़े होते हैं गार्जियन होते हैं वो एक तरह से हमें रात में भी प्रोटेक्ट करते हैं ना वो देखते हैं कि हम सो गए कि नहीं घर लॉक है कि नहीं सब कुछ एकदम अच्छे से मॉनिटर करने के बाद ही जाते हैं राइट सोते हैं उसी तरह से ये जो टॉल ट्रीज हैं ये भी हमें रात में भी झांक के देखते हैं कि सब कुछ खैरियत से तो है ठीक है तो ये पोएट का बेसिकली जो था ये पूरी जो पोएम है उन्होंने एक टॉल ट्री को ह्यूमन बींग की तरह इमेजिन किया है ठीक है तो ये जो सारे पैरा है वन दिस इज द पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ठीक है आई होप आप एक्सप्लेनेशन इसका समझ गए हो उसका मीनिंग समझ गए हो बट यस yes, और बेटर इसको समझने के लिए क्योंकि ये पोएम काफ़ी ईजी है और इसको और अच्छे से समझने के लिए चलो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं सो पार्ट वन मतलब ये जो पैरा वन है फ्रॉम विद देयर फीट इन द स्काई से लेके द क्लाउड गो बाय तक तो इसकी मीनिंग देखते हैं कि बाय सेइंग दैट द ट्रीज हैव देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई द पोएट कन्वेज टू द रीडर दैट द ट्रीज आर वेरी वेरी टॉल यस ट्रीज जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं द पोएट लुक्स एट द ट्री टॉल ट्रीज एंड फील्ड्स दैट दे आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द क्लाउड एज दे पास बायस तो ये इतने टॉल हैं इतने लंबे हैं तो पोएट ने देखा और उन्होंने फील किया कि ये जो इस तरह से खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं जो बादल हैं उनको देख रहे हैं कि वो किस तरह से पास कर रहे हैं डू यू नोटिस दैट शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स द ट्रीज एज इफ दे ह्यूमन बींग्स यस तो ट्रीज को बेसिकली इन्होंने एज अ ह्यूमन बींग देखा है एक इंसान की तरह देखा है कि विद देयर हेड एंड द फीट हमारे सर हैं हमारे पैर होते हैं अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें ट्रीज के नहीं होते हैं बट उन्होंने एज human being इनको इमेजिन किया है राइट right? कि जो पैर है उनके वो ऐसे अर्थ में ऐसे उनकी जड़ें हैं और जो उनके ऊपर टॉप पार्ट है वो उसने उनको हेड माना हुआ है ओके एंड इवन आईज टू सी थिंग्स अराउंड देम यस और जैसे हमने देखा कि वो गाठ करते हैं एक तरह से तो उनकी आंखें भी हैं जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की हैं व्हाई डज द पोएट कंपेयर द टॉल ट्रीज टू ह्यूमन बीइंग क्यों पोएट ने टॉल ट्री को ह्यूमन बींग से कंपेयर किया है द पोएट सी सम अदर सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द टॉल ट्रीज क्या उन्हें कुछ और भी सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज का मतलब होता है समानताएं ओके क्या कुछ और भी सिमिलैरिटीज उन्हें समझ में आ रही है ह्यूमन बींग्स और ये टॉल ट्रीज की मे बी शी फील्स दैट सम ह्यूमन बींग आई लाइक द टॉल ट्रीज शायद उन्हें ऐसा फील हुआ है कि कुछ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्हीं टॉल ट्रीज की तरह हैं दैट दैट आर आर मतलब वो मजबूत हैं टॉल हैं लंबे हैं एंड पावरफुल हैं ताकतवर हैं लाइक द टॉल ट्रीज दैट हैव देयर फीट इन द ग्राउंड दीज एम्पावर्ड ह्यूमन बींग्स आर हम्बल काइंड केयरिंग टवर्ड्स दोस्ट हु नीड देयर हेल्प यस तो जिस तरह से एक ट्री जो है प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स को शेल्टर देता है उन्हें उसी तरह से ये जो ह्यूमन बींग्स हैं जो इतने ताकतवर हैं एम्पावर्ड हैं वो भी हम्बल हैं काइंड हैं ओके दयालु हैं तो एंड केयरिंग हैं बहुत ख्याल रखते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है ओके okay? अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में मतलब सेकेंड पैरा सो पोएट गिव्स एन इंटीग्रेट पिक्चर ऑफ नेचर इन दिस स्टैंडा इन the darkening द डार्किंग स्काई ड्राइव द बर्ड टू देश टू द सेफ्टी ऑफ देयर होम्स इन द ट्री यस अब जैसे जैसे बादल जो है सूरज जो है वो ढल रहा है और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है मतलब शाम का वक्त है इवनिंग राइट इवनिंग का वक्त है शाम का वक्त है तो जितने बर्ड्स हैं वो सब आती हैं अपने अपने घरों में और घर क्या है वही घोसला है जिन्होंने उन टॉल ट्रीज पर बनाया हुआ है In this way, the different elements in the nature complement each other to provide comfort and shelter to the bird. Yes, and इसी तरह से ये जो हमारे tall trees हैं ये क्या कर रहे हैं एक तरह से घर में हमें सबसे sukoon मिलता है अगर हम अपनी बात करें तो हमें घर में सुकून मिलता है उसी तरह से ये जो बर्ड्स हैं इनको भी सुकून मिल रहा है उन घोंसलों में जो उन्होंने उन tall ट्रीज़ पे बनाया हुआ है ठीक है फिर लास्ट वाला पार्ट पार्ट थ्री द इवनिंग चेंजेस इन टू द नाइट अब शाम से रात हो चुकी है एंड बाई द लाइट ऑफ द मून द ट्रीज इस्टे अवेक यस एंड ये जो लाइट ऑफ द मून मतलब ये जो चाँद की रोशनी है चांद की चांदनी है इसमें ये जो ट्रीज़ हैं ये जो टॉल ट्रीज हैं ये स्टे अवेक यस ये जगह हुए हैं ओके टू कीप अच ओवर दी वर्ल्ड यस जगह हुए हैं दुनिया पर नजर रखे हुए हैं एज इट स्लीप्स यस पूरी दुनिया सो रही है रात में बट ये जो ट्रीज हैं ये हमारे जगे हुए हैं इन रात की चांद की चांदनी में द पोएट सीज द टॉल ट्रीज एज आर प्रोटेक्टर एंड गार्जियन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोएट हैं वो इन टॉल ट्रीज़ को एज आर प्रोटेक्टर देखते हैं हमारे गार्जियन की तरह देखते हैं ठीक है जैसे हमारे uh, घर के जो बड़े होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं है ना वो हमें सही गलत बताते हैं वो हमें एक शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं सेफ प्रोवाइड कराते हैं लव्ड प्रोवाइड कराते हैं तो उसी तरह से ये जो टॉल ट्रीज हैं ये भी इन बर्ड्स को एक तरह से इनको प्रोटेक्ट करते हैं इनके गार्जियन की तरह रहते हैं ओके एंड इन दोज केयर वी कैन स्लीप सेफली यस एंड और हम आराम से सो सकते हैं एंड साउंडली विदाउट एनी वरीज येस बिना किसी परेशानी के हम आराम से सो सकते हैं हम आराम से जी सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे गार्जियन मौजूद हैं उसी तरह से ये टॉल ट्रीज़ भी हैं एक गार्जियन है, ओके okay? किस तरह से उन्होंने बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड कराया ठीक है तो इस यही हमारा ये जो पोएम थी इसका जो मेन एलिमेंट है वो यही है कि किस तरह से एक जो पोएट है उन्होंने देखा कि ये जो टॉल ट्रीज हैं वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह है ओके okay? कि किस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू ओके इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो आई सी टू इट एंड फॉर एनी अदर इंक्वायरी जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट द वेबसाइट ओके So till then just stay safe, stay at your home, study well, thank you.